इतिहास च झात मारीए तो पता लगता कि राजे महाराजा के दरबार में किवें पेशावर भंड मरासी हुकूमत की लोक विरोधी नीतियां तंज ते व्यंग करते सन। हुक्मरान भी इन्हां शगूफियां नूं खूब मानते सी ते समय की नजाकत नूं भांप ढुकमां ते लुड़िंदा अमल भी करते सी। रवायत इसे तरह चलती रही। समय ने दौर बदलिया ते आम जनमत ने सोचा कि ये साड़ी गल राजे तक पहुँचाते हैं क्यों ना हुक्मरान इन्हों नहीं चुन लिया जाए। लो जी समय ने पलटी मारी ते पेशावर व्यंग करने वालों नूं हुकूमत मिल गई ते प्रजा भी खुश। पर हुण गद्दी ते बैठे गैर तजुर्बेकारां नूं अपने उत्ते वरदे विरोधमई ते लोक पक्षी व्यंग नागवार गुजरन लगे। फिर साबका भंडा ने व्यंग करन वालियां नूं लोक हित दी गल करन वालियां नूं ते तर्क दलीली करन वालियां नूं वर्जना शुरू कर दिता। उन्हां दे रोजगार ते आवाज़ नूं सीमित या पूरा नहीं बंद करना शुरू कर दिता ता जो आलोचना ते विरोधता जो इन्हां दी वड्याई च नहीं उसका जनतक फैला ना हो सके। सो फिर मनमर्जियां वाली हुकूमत का चलन आ गया। बहुतात जनता ने भी मूँह से ले सन शायद अंदरों बेबस ते लाजवाब सन कि चुनिया तो आप ही है। सो ऐसी बदलाव इतिहासिक बदलाव